योगी सरकार 2.0 के एक महीने के पूरे होने पर हमारे सहयोगी शैलेश ने डिप्टी सीएम से बात की है। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनिए आप भी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज एक महीना पूरा हो गया है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और हमारे साथ इस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, दूसरे कार्यकाल का एक महीना पूरा हुआ है आज, किस तरह से आप देखते हैं दूसरे कार्यकाल? सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने फिर से हमें जनादेश दिया, फिर से सरकार बनाने का मौका दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता की अपेक्षा के क्रम में हम लोग सेवा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और इस लक्ष्य को ही लेकर के हम लोग काम करेंगे और गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। एक महीने में सबसे बड़े फैसले या ऐलान आप कौन से देखते हैं? एक नहीं, अनेक हैं, मैं बताऊंगा तो उसमें घंटों लगेंगे, लेकिन एक महीने के अंदर दूसरे कार्यकाल में जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हुए हैं और आगे 100 दिन का जो हमारा रोड मैप है वह बहुत बड़े बड़े लक्ष्य को लेकर के। सर, एक सवाल आजम खान से जुड़ा, शिवपाल यादव जी मिलने जा रहे हैं, प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से मिले, हर कोई उन पर डोरे डाल रहा है, बसपा की भी निगाह टिकी हुई है उनके ऊपर, क्या वजह लगती है आपको? इतने बड़े नेता हैं, सबसे मजबूत है, कि कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है इससे मेरा लेन देन नहीं, लेकिन भाजपा मजबूत है। भाजपा 2014, 2017, 2019, 2022 जीत चुकी है और 2024 में फिर 75+ उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल, इन हालात में आप सपा को किस तरह देखते हैं, जब शिवपाल भी भागते हुए दिख रहे हैं, आजम खान का भी मन मुटाव एक नजर आ रहा है, आप कैसे हालात देखते हैं? सपा समाप्त होने वाली पार्टी है। तो ये थे हमारे साथ में केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार की उपलब्धि की बात करें तो उस एक महीने में तमाम उपलब्धियां हैं, वहीं अगर समाजवादी पार्टी के हालात और आजम खान को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कौन किससे मिलता है इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे, चाहे 24 की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। बहरहाल समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि वो एक समाप्त होने वाली पार्टी है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।